Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision making. This is module number one to seven, and we are going to talk about that we have to broaden our emotional vocabulary. Remember one thing कि जब हम emotions को express कर रहे हैं, जब हम emotions को label कर रहे हैं, तो we need to have accurate vocabulary. Because जब तक हमारी vocabulary नहीं होगी, हम उसको appropriate expressions and words के साथ इजहार में भी नहीं ला सकेंगे। हैव टू बी वेरी मच केयरफुल के कम्युनिकेशन के अंदर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इन पर्टिकुलर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ड्स और अगर हम अल्फाज का चुनाव सही तरीके से ना कर पाएं तो दैट वुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक इन कम्युनिकेशन बिकॉज रिमेंबर वर्ड्स मैटर एंड वर्ड्स मैटर अ लॉट आपके कहे हुए अल्फाज वो बहुत ज्यादा असर वो रखते हैं और उन अल्फाज का चुनाव उन अल्फाज का यूजेज उन अल्फाज को बयान करने का तरीकाकार उसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों क्यूज आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे यू हैव टू बी सेंसिटिव अबाउट इट क्योंकि बाजात एक गलत एक्सप्रेशन एक गलत लफ्स वो हो सकता है कि आपके जहन के मायने को सही तरीके से डेमोन्स्ट्रेट वो ना कर सके सो इन पर्टिकुलरली वन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन जब हम अपने मौजूद मायनी को एनकोड कर रहे हैं उसको अल्फाज का जमा पहना रहे हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम सही लफ्स को चूज कर सकें वरना उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में जब वो लफ्स डी होगा तो डी भी वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा और आपका मायने अपने असर को खो देगा उस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर देयर फोर इन इमोशनल इंटेलिजेंस वी हैव टू यूज द राइट वो हमारे बहुत से जज्बात हो सकते हैं वी माइट बी फीलिंग एंग्री

गुस्से की कैफियत है लेकिन उसमें ग्रम्पी फ्रस्ट्रेटेड डिफेंसिव सब भी तो आपके एक्सप्रेशन हो सकते हैं तो अब आपको यह देखना होगा कि वट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग एंड वैन बिल्कुल इसी तरह वेन यू से दैट आई एम सैड द सैड वुड ऑल्सो मीन कैन ऑल्सो मीन डिसअपॉइंटेड मॉर्नफुल रिग्रेटफुल आपका डिप्रेशन क्रिएट हो सकता है आप थॉट्स के अंदर जा सकते हो तो ये सब के सब एक्सप्रेशन मिले जुले रुझान को शो करेंगे लेकिन एक्चुअली इनकी जो इंप्लीकेशन है वो बहुत डिफरेंट है सेम इज द केस विद एंक्शियस इट माइट बी अफ्रेड इट माइट बी वोलरेबल सेम इज द केस विद हर्ट आप उसमें जेलस हो सकते हो आप उसमें विक्टमाइज हो सकते हो आप उसमें बिट्रेड हो सकते हो इसी तरह एम्बेरस जो है उसमें लोनलीनेस भी आ सकती है उसमें इनफीरियर एस्पेक्ट भी आ सकता है उसमें उसमें भी शामिल हो सकता है, कि 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 अब हमें ये देखना होगा what exactly is there जो आपके उस जज्बे को एहसास को वो डेमोनस्ट्रेट सही तौर करे बिकॉज अगर आप एक डिफरेंट मीनिंग यूज करोगे रादर देन में आपको थैंकफुल होना है बट यू आर शोइंग यूर एटीट्यूड तो ये दो डिफरेंट कॉन्टेक्ट बन जाएंगे हालांकि दोनों positive expressions के साथ वहां पर मौजूद हैं। और same is the case with negative expressions. So, अल्फास का चुनाव एक अहम अमर है डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस बात को कंक्लूड करें तो बहुत केयरफुल रहिएगा कि आप कम्युनिकेशन के अंदर इजहार के दौरान किन अल्फाज को यूज करते हो और आपकी वो शार्प होनी चाहिए सो so दैट आप अपने इनर एस्पेक्ट्स को सही तौर पर अल्फाज में इजहार कर सको उसका इजहार बयान कर सको थैंक यू